हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप न्यूज़ गर्ल में। तो आपको बता दें कि पायल रोहतगी और संग्राम सिंह, जो कि बिग बॉस में देखे जा चुके हैं, उन्होंने उनका तनिषा शर्मा की तरफ से एक बयान सामने आया है। इसमें पायल रोहतगी कहते हुए दिखाई दे रही कि अगर तनिषा 2018 में इंटरव्यू दे रही है और उसमें कह रही है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो गलती उनके पेरेंट्स की है। उनके घर वालों को उनका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। और पायल रोहतगी ने उनके फैमिली पर ब्लेम लगाते हुए ये कहा है कि इनकी फैमिली का ही इसमें गलती है, उन्होंने उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। वो काम कर रही थी, माना कि काम कर रही थी, बिजी थी, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा केयर जरूरी होती है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में वो क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शी वाज 20 ईयर ओल्ड। अगर 2018 में वो कोई इंटरव्यू दे रही है जहाँ पर वो कह रही है कि शी इज फाइटिंग डिप्रेशन एंड शी इज नॉट मेंटली दैट स्ट्रांग, तो उससे उसकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। प्रेशर होता है कि आप अपना काम कंटिन्यूसली करते जाओ, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े लोग ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि वो कैसे कोप अप कर रहे हैं वर्क स्ट्रेस के साथ, बिकॉज टेलीविजन वर्क इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। मैंने की लाइफ में एक दो सीरियल किए हैं एंड हम लोग जोर ज़बरदस्ती से बोलते थे कि हम 12 घंटे हो गए हैं, हम घर जा रहे हैं। साथ साथ में मुझे नहीं पता कौन सा दूसरा एंगल है, मगर जो भी एंगल है, लेट द पुलिस एंड द प्रॉपर एजेंसीज डू द इन्वेस्टिगेशन। मैं बच्चों कहना चाहूँगा, ये प्यार मोहब्बत से दूर रहो, अपना करियर बनाओ, फोकस करो। पायल रोहतगी की वीडियो, आपको बता दें कि पायल हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है और कई बार जेल भी जा चुकी है, और ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। हाल ही में इन्होंने संग्राम सिंह के साथ शादी की थी, जो भी बिग बॉस 7 में थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।